हर बार जब महेश भाई मेरे बाल काटते हैं तो पहले 2 हफ्तों तक मुझे अपने बालों से बेइंतहा नफरत होती है, बट देन कम्स अ डे जब मेरा हेयर गेम इज ऑन पॉइंट, एंड इफ यू कांट नोटिस बट टुडे इज दैट डे। आज मंगलवार है और दोपहर के बज रहे हैं 2:45, बट आज बात आज की नहीं है, आज बात है परसों की, आने वाला परसों नहीं, बीता हुआ परसों। तो बात कुछ ऐसी है कि कल से श्रावण शुरू हुआ है बट परसों था संडे, एंड संडे आर दी अपॉर्चुनिटीज चिकन बनाने की। ये है हमारा चिकन सूखा। तो बस फिर हम हमारे दोस्त, 2 किलो चिकन, बारबेक्यू और मेरी बालकनी अक्सर ये बातें करते हैं कि तुम ना होती तो क्या होता। लेडीज एंड जेंटलमैन, चिकन बनाना तो सबको आता है बट कोई हमारी तरह बनाए तो बात करो। 2 थम्स अप। और अगर बारबेक्यू के सिनेमैटिक शॉट्स नहीं लिए तो फिर क्या ही लिया। उसके अलावा पकाया था भूना लज्जतदार चिकन और उतनी ही लज्जतदार ग्रेवी। ग्रेवी के बिना दावत अधूरी है। और इसके साथ ही बहुत ज्यादा बकवास। तो एक अच्छा बारबेक्यू बनाने के लिए चाहिए दो चीजें। एक चाहिए आपको दृढ़ निश्चय और दूसरा चाहिए बीच में टोकने वाले लोग। मैंने क्या बोला था? लिख मत करो लड़के। क्या लिख? भूल गया मैं अभी। What do you want to? तो ये थी कहानी दावत एक खास की। I didn't get much time to shoot a vlog because that's how I am. अभी मुझे जाना है और शाम को अंगीठी साफ करनी है because मज़े की जगह क्लीनलीनेस अपनी जगह, बिल्कुल अच्छे बच्चों की तरह। अभी बज रहा है शाम के 6:30। मैसी भैया तो निकल रहे हैं पेरिस के लिए और हमें भी निकलना चाहिए अब जिम के लिए, बिकॉज किसी मान इंसान ने कहा है कि आदतें बनाने से बनती है और टिकाने से टिकती है। अब वो महान इंसान कौन है वो मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है उनकी राय मान लेनी चाहिए। तो चलते हैं अब जिम। मेरे पास फिलहाल जिम के लिए बैग तो नहीं है, मैंने ऑर्डर की थी बट वो भी अब तक नहीं आई है। तो फिलहाल के लिए तो लैपटॉप बैग हर समस्या का समाधान। मैं अक्सर सुबह जिम जाना पसंद करता हूँ बट आजकल नींद ही नहीं खुल रही है, और दिल और नींद पे अगर काबू नहीं हो तो फिर बातें बिगड़ सकती है। खैर, लेट्स नॉट डाइग्रेस एंड लेट्स वर्कआउट। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। जिम से आने के बाद और एब्स करने के बाद हमारा खाना बनाने का कोई मन नहीं हो रहा था, तो हमने सोचा क्यों ना इस मौके का पूरा फायदा उठा के बाहर पेला जाए। वैसे इस जगह की तस्वीरें बड़ी खूबसूरत हैं और लाइट जो आ रही है वो भी बहुत आला है। आप तस्वीरें देखो, हम तब तक खाना खा रहे हैं।